आज भी सड़क पर कई सारे अनट्रेन ड्राइवर घूम रहे हैं। रिसेंटली हमने कुछ वीडियोस देखे हैं जहां ड्राइवर की गलती की वजह से मेजर एक्सीडेंट और लोगों का नुकसान हो गया। पहले भी हम कह चुके हैं कि ड्राइविंग लाइसेंस देने से पहले कड़ा टेस्ट लेना जरूरी है। दूसरा, लोग को भी कार चलाते वक्त पैनिक नहीं करना है और ब्रेक की जगह एक्सीलेटर दबाने की गलती जो कई सारे लोग कर जाते हैं उससे बचना है। आज एक ऐसा ही वीडियो वापस सामने आया जहां पूरा एक्सीडेंट सीसीटीवी में रिकॉर्ड हो गया और इग्निस लेकर ड्राइवर सीधा शोरूम में घुस गई। ना चाहते हुए भी वो पापा की परी वाली बात यहाँ याद आ जाती है इस एक्सीडेंट को देखने के बाद। इस एक्सीडेंट में मारुति सुजुकी इग्निस एक लेडी ड्राइव कर रही थी और सडनली उनका गाड़ी से कंट्रोल छूटा और ब्रेक की जगह एक्सीलेटर दबाते हुए गाड़ी सीधा यहाँ इन्होंने चश्मों के एक शोरूम में घुसा दी। आगे आप वो सीसीटीवी फुटेज देख सकते हैं जिसमें पूरा एक्सीडेंट रिकॉर्ड हो गया। तो आपने देखा यहाँ ब्रेक दबाने का काफी टाइम था, हालांकि पैनिक के चलते गाड़ी में ब्रेक की जगह एक्सीलेटर दबा दिया गया और सीधा गाड़ी शोरूम में घुसा दी गई। शॉप ओनर ने बताया यहाँ उनका 5 से 6 लाख का नुकसान हो गया इस एक्सीडेंट की वजह से, जहाँ नया इंटीरियर और चश्मे सब डैमेज हो गए। फॉर्चुनेटली यहाँ किसी पर्सन को कोई इंजरी नहीं आई। तो एक्सीडेंट किसी से भी हो सकते हैं, पर इस तरह के एक्सीडेंट नॉर्मली अनट्रेन ड्राइवर ही करते नजर आते हैं और रिसेंटली ऐसे 2-3 केसेस हम देख चुके हैं। तो पहले तो प्रॉपर टेस्ट के बाद लोगों को लाइसेंस देना चाहिए। दूसरा, आपको भी लिमिटेड स्पीड में गाड़ी चलानी चाहिए ताकि पैनिक सिचुएशन क्रिएट ही ना हो और ब्रेक की जगह एक्सीलेटर दबाने की गलती आप ना करें। वैसे कुछ लोगों का ये भी कहना था कि लेडी यहाँ पे अपनी जगह सही थी, गलती शॉपकीपर की थी जिसने सड़क के बगल में शॉप खोल दी और गलती सीसीटीवी कैमरा की थी जिसने ये पूरा इंसिडेंट रिकॉर्ड कर लिया। आपका क्या सोचना है ऐसे एक्सीडेंट्स हमें क्यों देखने को मिलते हैं और इस एक्सीडेंट में गलती किसकी थी कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा। चलता हूँ मैं, मिलूंगा आपसे जल्दी एक नए वीडियो के साथ। टिल द टाइम दिस मी साइनिंग ऑफ। जय हिंद।